नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। जिला बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। आज बस्ती जिला में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा की अगुवाई में श्रीमती प्रियंका गांधी की रिहाई एवं मृतक किसान परिवारों को न्याय दिलाने के लिए एवं अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु जेल भरो आंदोलन चलाया गया, जिसमें महफूज अली एडवोकेट समेत पार्टी के तमाम नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। आंदोलनकारियों को रोडवेज तिराहे से गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया है। फिलहाल आंदोलनकारी पुलिस लाइन में अपना आंदोलन जारी रखे हैं। आइए देखते हैं बस्ती से ब्यूरो चीफ वारिस अली की एक रिपोर्ट। आप लोगों की क्या योजना है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार है नहीं अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ने वाली हमारी आरजेडी नेता प्रियंका गांधी जी, जो लखीमपुर की घटना दुर्घटना हुई जिसमें मंत्री अजय मिश्रा और उनके लड़के द्वारा किसान जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर उन्हें रौंद करके उनकी हत्या की गई है, जिसके खिलाफ प्रियंका जी उनके परिवार जो किसान मरे हैं उनके परिवारों वालों से मिलने के लिए जा रही थी, जिनको जबरदस्ती सीतापुर में रोका गया। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को दिल्ली रोका गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 3 दिन से बंद किया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को बंद किया गया। भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग कैसे धरना दे रहे हैं? वो लोग आना चाह रहे लेकिन वहाँ नहीं आने दे रहे हैं, और जिसके खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन का काम आज हम लोगों ने किया है। बस्ती जनपद में हमारे सभी नेता, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सब जेल भरो आंदोलन में आज ने हिस्सा लिया है और हमको पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाई है। हम जब तक आप प्रियंका गांधी जी को रिहा नहीं करते, हम लोगों की मांग है कि हमारे नेताओं को प्रियंका गांधी जी को जल्द से जल्द रिहा करें और उन परिवार से मिलने दें जो अन्नदाता हमारे हैं, उनको न्याय दिलाने का काम प्रियंका गांधी करना चाह रही है, उनसे मिलना चाह रही है। यह सरकार अगर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो आगे आप लोग की मंशा क्या है, किस तरह से आप लोग कदम बढ़ाएंगे? हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। आगे भी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और हम मांग करते हैं कि जो तत्काल उन मंत्री को बर्खास्त दिया जाए। मोदी जी आए लखनऊ लेकिन उनको ये नहीं हुआ कि लखीमपुर आकर के उस किसान परिवार से मिले जिन्होंने उनको उनके मंत्री ने जिस तरीके से रौदा है उनके बेटे ने, न उसकी गिरफ्तारी हुई न मंत्री की बर्खास्तगी की गई। अब मोदी जी से पूछना चाहते हैं वो लखीमपुर कब आ रहे हैं, अपने मंत्री जी को कब बर्खास्त कर रहे हैं और उस लड़के को जो जिसने ये हत्या किया है उसको कब गिरफ्तार करवा रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार जब तक क्या नाम है ये हमारी जो मांगे हैं, प्रियंका जी को पहली बात तो गिरफ्तार जो किया गया 3 दिन हो गया जा रहा है आज, मांगों में क्या मुख्य है? उनकी मां, हमारी मांग है कि प्रियंका जी परिजनों से जाकर के मिलने दें उन्हें। सरकार अपना भ्रष्टाचार मत करे, अपना जो क्रूर व्यवहार दिखा रही है जिस तरीके से उसको व्यवहार बंद करे, प्रियंका जी को जाने दे उन किसान परिवारों से मिलने के लिए, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए। साथ ही साथ जो हमारी मांग है कि मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और मंत्री